ऐसा कहा जाता है कि जिस देश की आर्मी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है वो देश उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और इंडिया की मिलिट्री यूएस, रूस और चीन के बाद चौथी सबसे स्ट्रांग है। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और सरकार हर बार हर बजट में डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के बजट को इंक्रीज कर रही है। 2025 में इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर का जो बजट है 1,75,000 करोड़ का है। और सरकार के इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चैलेंजेस भी हैं। जो सबसे मेजर चैलेंज है, इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बाहर के देशों से इंपोर्ट कर रहा है। और सरकार चाहती है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर हो ताकि देश को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और इसी के साथ ही गवर्नमेंट एम कर रही है कि डिफेंस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ाया जाए। इस इंडस्ट्री में जो कंपनीज काम कर रही हैं उनको बहुत फायदा हो, इसलिए गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज काम कर रही है उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और 2029 तक यह सेक्टर 15% CAGR से ग्रो करने की उम्मीद की जा रही है। और एज अ इन्वेस्टर अगर हम इस सेक्टर में निवेश करते हैं तो हम अपनी वेल्थ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मनी राइज प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर के 5 शानदार स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छी वेल्थ बनाकर दे सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिना स्किप करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला स्टॉक है एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस, एनर्जी और न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए मशीन इक्विपमेंट असेंबली, सब असेंबली और स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी का क्लाइंट बेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कंपनी के जो बिग MNC क्लाइंट्स हैं वो हैं ब्लूम एनर्जी और राफेल। और इसके अलावा कंपनी के कुछ गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं, उनके नाम हैं इसरो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च। और इनके कुछ इंडियन क्लाइंट्स हैं, उनके नाम हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BHEL और भारत डायनेमिक्स। अगर मैं कंपनी के रिटर्न की बात करूँ तो 2 साल पहले स्टॉक मार्च 2021 में लिस्ट हुआ था और तब से इस कंपनी ने 69% के मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। अभी यह स्टॉक 52-week हाई से 40% करेक्शन पर मिल रहा है और वीडियो बनाते समय 1724 पर ट्रेड कर रहा है और इसकी मार्केट कैप 5,315 करोड़ की है। इस कंपनी का ROE 17.9% है जो कि कम है। ROC इस कंपनी का 22.2% है जो कि डिसेंट है। और डेप्ट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.38 है और OPM इस कंपनी का 22.4% है जो कि अच्छा माना जाता है। और पिछले 3 साल में कंपनी ने 39% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की है और पिछले 3 साल के अंदर कंपनी की 48% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 37.6% की होल्डिंग है और FIIs ने अपना स्टेक 8.81% से बढ़ाकर 11.02% की है और DIIs ने अपनी होल्डिंग 24.06% से कम करके 18.97% की है। नेक्स्ट सेकंड स्टॉक है अपोलो माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, असेंबली और टेस्टिंग का बिजनेस करती है और इस सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है। और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, अदानी और L&T जैसी बड़ी कंपनीज इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। और 1 साल में कंपनी ने 257% के रिटर्न्स दिए हैं और 5 साल में इस कंपनी ने 816% के मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। वीडियो बनाते समय इस कंपनी का स्टॉक 97 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसकी मार्केट कैप 2,744 करोड़ है। ROE इस कंपनी का 6.49% है जो कि कम है। ROCE इस कंपनी का 12.1% है जो कि डिसेंट है और डेप टू इक्विटी इस कंपनी का 0.40 है और OPM इस कंपनी का 22.7% है जो कि अच्छा माना जाता है। और पिछले 3 साल में कंपनी ने 7% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की है और जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 3 साल में 15% है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 53.21% की अच्छी होल्डिंग है और FIIs ने अपना स्टेक 5.27% से बढ़ाकर 11.01% की है और DIIs ने अपनी होल्डिंग 3.31% से कम करके 0.01% की है। नेक्स्ट थर्ड स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन और काउंटर ड्रोन की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ट्रेनिंग सिमुलेशन इक्विपमेंट के सेगमेंट में मार्केट लीडर है और इसमें कंपनी 95% से ज़्यादा मार्केट शेयर ओन करती है। और कंपनी के पास 472 करोड़ के ऑर्डर भी पेंडिंग में हैं और 1 साल में इस कंपनी ने 192% के रिटर्न दिए हैं और 5 साल में इस कंपनी ने 1,090% के जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। वीडियो बनाते समय शेयर का प्राइस 898 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की मार्केट कैप 7,546 करोड़ की है।
और आरओई इस कंपनी का 12% है जो कि डिसेंट है। आरओसीई इस कंपनी का 17.3% है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है और डेप्ट टू इक्विटी इस कंपनी का 0 है। कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है और ओपीएम इस कंपनी का 43% है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 33% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की है और पिछले 5 साल के अंदर कंपनी की 150% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 55.07% की अच्छी होल्डिंग है और FIIs और DIIs दोनों की ही इस कंपनी में शानदार होल्डिंग है। फोर्थ स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव सिस्टम की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो कंपनी ने 1 साल में 136% के बढ़िया रिटर्न दिए हैं और कंपनी की मार्केट कैप 5,309 करोड़ है। ROE कंपनी का 11.4% है जो कि डिसेंट है। ROCE इस कंपनी का 17.1% है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है और डेप्ट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.08 है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और OPM इस कंपनी का 17.7% है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। पिछले 3 साल में कंपनी ने 20% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की है और जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 3 साल में 18% है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये एक PSU कंपनी है। यह कंपनी सभी तरह के शिप्स की रिपेयरिंग, रिसर्च और अपग्रेड करने का बिजनेस करती है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत की पहली ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग यार्ड की कंपनी है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो कंपनी ने 1 साल में 280% के बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और ROE इस कंपनी का 6.57% है जो कि कम है। ROCE कंपनी का 8.66% है। ROCE भी इस कंपनी का यहां पर काफ़ी कम है और डेप्ट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.12 है और OPM इस कंपनी का 17.4% है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। पिछले 3 साल में कंपनी ने -12% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की है और जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 3 साल में -23% है और प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 72.86 की है जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और साथ ही FIIs और DIIs दोनों की इस कंपनी में अच्छी होल्डिंग है। दोस्तों ये थे आज के 5 डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स। अगर हम इन कंपनी में अगले 5 से 6 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड एडवाइजर नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च भी जरूर कर लें और अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह जरूर ले लें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।